झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके साथ दो लोगों ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया और पीड़िता ने बताया कि उसने थाने में इसकी शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है। थाना नवाबाद क्षेत्र में एक साथ तीन दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बना दिया। चोर छत के ऊपर से दाखिल हुए, चद्दर काट के अंदर आए, उसके बाद में एसी तोड़ दिया, कैमरे तोड़ दिए और दुकान की गुल्लक को खंगाल दिया। उनको यहाँ से क्या मिला है, कितने कागजात यहाँ से गायब हैं, कितना कैश यहाँ से गायब है, अभी इसका आकलन दुकानदार कर रहे हैं। लेकिन इस बात की जानकारी तब मिली जब बुधवार की सुबह स्टाफ ने आके दरवाज़ा खोला तो दरवाजे में सामने ये आया, इस वाले गेट को खोलने के बाद, ये वाला उसका मेन डोर था, इसको खोलने के बाद अंदर देखा गया कि अंदर जो गुल्लक है, गल्ला है, वो टूटा पड़ा है। इसके अलावा सामने की दीवार पर जो एसी था वो एसी क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा कैमरे टूटे पड़े हुए हैं। कुल मिला के यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। एवन फर्नीचर के जो मालिक हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये उन्होंने सोमवार की शाम को अपनी दुकान बंद की थी, उस वक्त तक कोई बात नहीं थी। सोमवार की बाद मंगलवार को चूंकि बाजार बंद रहता है, बाजार नहीं खुला था, बुधवार की सुबह जब खोला गया तो मालूम पड़ा कि उनके यहाँ चोरी हुई है और ये घटना सोमवार आधी रात की बताई जा रही है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस मामले की जानकारी कर रही है और ये दिमाग लगाया जा रहा है कि चोरों ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि छत पर जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर एक टीन को काटा गया है, मेन जो टीन थी पानी के बचाव के लिए, उस टीन को काट कर चोर दाखिल हुआ और यहाँ पर आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। गल्ले तोड़ दिए, कैश निकाल ली, कागजात निकाल लिए। अब क्या क्या गया है ये पीड़ित दुकानदार के तहरीर देने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस घटना के बाद से ये बड़ा सवाल बन गया है कि अगर जोकनबाग के पास चलती रोड पर इस तरह की घटना का अंजाम दी जा रही है तो आम आदमी सुरक्षित कैसे रह पाएगा। कुलदीप अवस्थी, जीएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/